तेरी वे 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 रुक गया और मैं बोला तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज हमारे गांव में भंडारा, क्योंकि हमारे गांव में है नाग देवता का मंदिर जहां पर हम हर साल धाम देते हैं भंडारा, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जग। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं वहां पर जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, धाम सब कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस ये है छोटा सा नाला, और गाइस बस ये सीढ़ियाँ चढ़ के इसकी ऊपरी है मंदिर जहाँ पर आज भंडारा। सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से हैं। तो गाइस फाइनली मंदिर पहुँच गया हूँ और यहाँ पर पूजा होगी स्टार्ट। यहाँ पर पूजा भी लग पड़े हैं पंडित जी करने। और यहाँ पर महिलाएं लग पड़ी हैं भजन कीर्तन करने। तो गाइस यहाँ पर बन रही है धाम, जहाँ पर धाम बनती है उस जगह को हम कहते हैं तीन। तो गाइस ये बनी हुई कड़ी ये अपनी देसी गाय के लस्सी से बनी हुई है। गाइस ये मानी जिसको खट्टा कहते हैं, और इन बिल्टोलियों में बनी हुई है दालें, खीर, लड्डू और राजमा वगैरह। तो गाइस ये जो पानी है बिल्कुल नेचुरल पानी आता है हमारा, ठंडा ठंडा पानी जिसको हम पनियार से लेके आए हैं। ये कुछ ऊपर से भी उस तरह से दिखाई देता है मंदिर का। और अब यहाँ पर चेले भी लग पड़े हैं नाचने। धाम होने से पहले चेले को नचाते हैं हम। तो गाइस फाइनली पूजा हो गई है और अब सभी बैठ गए धाम खाने के लिए। और ये है नागराजा के पेड़, तो अभी सभी को धाम खिला दी है और अब मैं लग पड़ा हूँ खाने। तो ये आगे हैं चावल, साथ में सबसे पहले खीर आती है। ये आगे मिर्चें, लेकिन मैं नहीं खाता मिर्चें। सबसे पहले राजमा आगे, उसके बाद आगे लड्डू, अब आगे अगली दाल जो कि मूंग की दाल है। अब उसके बाद आई है चने की दाल थोड़े और फायदे वाला। उसके बाद आती है कड़ी, कड़ी काफी टेस्टी थी बनी, इसलिए मैंने दो कड़छियां ली थी दो बार। थोड़े से चावल लिए थे, मुझे भूख काफी लगी थी। लास्ट में आता है खट्टा जिसको हम कहते हैं मानी।
तो गाइस फाइनली दाम खत्म हो गई है, अब मैं चला हूँ अपने घर। ये छोटा सा नाला क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ पर रास्ते में काफ़ी घास लगा है।